Hello students and hello parents. Today we are going to learn object counting. Object counting के लिए सबसे जरूरी है पहले verbal counting आना. जैसे 1 to 10 में अगर हम objects count करा रहे हैं तो बच्चे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे verbally counting आना चाहिए. तो starting में हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में हम पहले कम चीजें और एक ही कलर की एक ही टाइप की चीजें लेंगे और वो कम क्वांटिटी में. जैसे यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 ऑनियन. अब मैंने ऑनियन क्यों लिए हैं? क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं. तो स्कूल में तो एक्टिविटी होती है, टीचिंग एड्स होते हैं, उसके थ्रू टीचर्स काउंटिंग सिखाते हैं और बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं. लेकिन घर पे अब थोड़ी मेहनत टीचर्स के साथ पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हम घर की चीजें जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, स्पून है, कटोरी है, ग्लास, कोई भी घर की चीजें लेके काउंट करा सकते हैं. या जैसे ही कभी शॉप से सामान ले आए, उसको रख दिया काउंट करने के लिए, तो ऐसे ही खेल खेल में बच्चा काउंटिंग सीख जाएगा. तो वर्बल काउंटिंग के बाद अगर और चीज जरूरी है तो है 1-to-1 टैपिंग. तो बच्चे को हम सिखाएंगे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टैपिंग. तो एक चीज को एक ही बार टैप करना है, ये भी हमको बच्चे को बताना पड़ेगा. फिर एक के बाद एक, और जैसे ही हम टैप करें उसी टाइम पे नंबर बोले, या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे फास्ट काउंटिंग और स्लो टैपिंग, या फिर स्लो टैपिंग और फास्ट काउंटिंग ऐसे नहीं होना चाहिए. वो साथ साथ हम बच्चे को बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और फिर हमें बताना है जो लास्ट हमने नंबर बोला वो है काउंटिंग का आंसर. तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, तो लास्ट नंबर जो हमने बोला है वो उसका आंसर है 5. 5 ऑनियंस आर देयर. ऐसे ही जब एक बार कम नंबर कम क्वांटिटी में बच्चा काउंट करना सीख गया तो हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे. ऐसे थोड़े थोड़े करके क्वांटिटी बढ़ा के हम बच्चे को सिखाएंगे. फिर ये जब अच्छे से आ जाएगा, अगर बच्चा कंफ्यूज होता है तो बच्चे को ऐसे हाथ पकड़ के टैपिंग सिखाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फिर एक बार एक ही टाइप की चीज काउंट करना आ गया कि उसके बाद हम और अलग ऐड करेंगे. फिर वो बच्चा जब काउंट करे तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 थिंग्स आर देयर. फिर एक बार हमने इसको काउंट किया तो बच्चे को हम ये सिखाएंगे कि अगर प्लेस चेंज होती है थिंग्स की तो भी उसकी वैल्यू सेम रहती है. जैसे हमने पहले काउंट किया था 10, फिर हमने पोटैटोज वहां से हटा के यहाँ रखे. अब काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो अब भी ये 10 है. तो चीजें की प्लेस चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, ये भी हम बच्चे को बता सकते हैं. फिर अगर दो लाइन में हम काउंट करते हैं तो बच्चे को हमें बताना है कि लेफ्ट टू राइट एक ही साइड से काउंट करेगा ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से. ऐसे फिर जैसे ही बच्चे काउंटिंग 10 तक सीख जाए, फिर हम 20 तक, फिर 30 तक ऐसे ऑब्जेक्ट बढ़ा के, फिर बाद में पेज पे पिक्चर्स बना के भी हम सिखा सकते हैं. हमारे पास है एनुका मैम, वैशाली मैम और संगीता मैम. हेलो, आज हम देखेंगे इन लोगों को काउंटिंग कैसे आती है. तो मैं जैसे बताऊंगी वैसे इनको करना है. एनुका मैम चलिए आप मुझे 10 याद करके बताइए. 1, 2, 3, 4 वेरी गुड. और आप संगीता मैम को 5 स्टेप्स आगे चल के बताएंगे. 1, 2, 3, 4, 5 थैंक यू एनुका मैम.
थैंक यू वैशाली मैम एंड थैंक यू संगीता मैम फॉर हेल्पिंग मी इन माय वीडियो ऑफ काउंटिंग. सो पेरेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर टाइम विद योर चाइल्ड. बाय.